फ्रेंड्स वेलकम टू ममता की इस थाली का। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त ममता। कितनी गर्मी हो रही है ना, हर समय सब कहते हैं गर्मी गर्मी, फटाफट से मैगी बना के खा लो, ये कर लो वो कर लो, या झटपट से कुछ खाना बना लो। और यदि मैं आपको कह दूं कि ये फटाफट से बनने वाली, ना आपको प्याज काटनी, ना आपको लहसुन काटना, ना आपको मेहनत करनी, ना टमाटर, ना कुछ, और ये अचारी अरवी नेक्स्ट लेवल। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मेरे साथ ये अचारी अरवी की रेसिपी। ये देखिए, अरवी हमेशा लेटेस में ही ध्यान रखना चाहिए, मोटी मोटी और गोल गोल ऐसी लीजिए, बहुत ज्यादा गांठों वाली अरवी ना हो। तो इसको हम सबसे पहले छील लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये मैंने छील ली है, ऐसी मैं सारी अरवी छील लेती हूँ। मैंने सारी अरवी क्लीन कर ली है। अब देखिए, मैं अब आपको बताती हूँ, ऐसे मैंने बीच में से डिवाइड कर दी और अब मैं इसकी पतली पतली स्टिक बनाऊंगी। देखिए ऐसे, ये देखिए, ये मैंने अरवी की स्टिक बना ली है। तो ऐसे ही मैं सारी अरवी की स्टिक बना लेती हूँ। देखिए, पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर ली थी, तो वॉश करने की दोबारा जरूरत नहीं है। और ये देखिए, मैंने लंबी लंबी स्टिक बना के तैयार कर ली। ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। आप जो वेजिटेबल ऑयल खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। और ये देखिए, अजवाइन मैंने ली है। और इसे टेस्ट को बढ़ाने के लिए, क्या होता है कि अजवाइन का ना टेस्ट बढ़ जाता है ऐसे हाथ से रगड़ के, और इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, क्रैकर हो गई, हमारा ऑयल गरम था। और देखिए, कोई मसाले नहीं डाल रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लगती है, मतलब आप एक बार बना के देखना। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ मैं ये जो मैंने अरबी की स्टिक बना के रखी है ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने ऑयल इसके ऊपर कोट करके, अभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो अपने मॉइस्चर में भी गल जाती हैं, और यदि हम इसमें वाटर डालेंगे तो लिसलिसी हो जाएंगी, जैसे भिंडी हो जाती है ना, लेस छोड़ देती हैं, ऐसे हो जाएंगी। हम इसे ऑयल में ही, लेकिन हम इसे कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। गैस देखिए मेरी हाई है, 2 मिनट ही हुए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा अरवी का कलर आ रहा है पूरे से, आप मेरी देख सकते हैं, मेरी एक दम अरवी भी है, आप जाके देखिए और बना के खाइए, दम अरवी भी बहुत टेस्टी बनती है। एक मेरी अरवी फ्राई भी है, आप वो भी देख सकते हैं, और ये एक अलग तरह से अरवी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक पहचान दिखाती हूँ, आप ये देखिए पहचानिए, ये जो कच्ची वाली अरवी थी ऊपर का साइड है, ये देखिए ज्यादा व्हाइट है, और ये जो थोड़ी थोड़ी फ्राई होती जा रही है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो ये जब मैं पलट रही हूँ तो ये मैंने इसीलिए थोड़ी सी पलटी और थोड़ी सी नहीं पलटी, फ्लिप में करी। देखिए फिर से 2 मिनट हो गए, ये देखिए कितना बढ़िया अरवी का कलर आ रहा है, देख रहे ना। अभी तक मैंने देखिए कोई मसाला नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, ये अरवी ना ऐसे बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, और आपको मैं दिखाती हूँ कितनी तो ये गल भी चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे ना थोड़ी सी, आजकल मैं यूएस में रह रही हूँ, ये गोला अरवी बहुत अच्छी मिल जाती है, आप भी देख के लीजिएगा। ये जो बड़ी बड़ी अरवी होती है ना, ये बहुत टेस्टी लगती है। देखिए कितने आराम से कट रही है स्पैचुला से, यानी कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और थोड़ी सी ऐसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए, जब तक मेरी अरवी फ्राई हो रही है, 1 मिनट में मैं फटाफट से आपको कुछ बातें बता देती हूँ। आपने देखा मैंने अरवी छीली, मेरे हाथ ऑयली थे। क्या होता है, अरवी यदि आप डायरेक्ट छीलेंगे तो हाथों में खाज आने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आपको करना क्या है, ये अरवी छीलने की एक बहुत स्पेशल ट्रिक होती है, आप अपने हाथों में ऑयल लगा लीजिए और फिर उससे छीलिए और फिर उससे चॉप करिए, आपके हाथों को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और यदि उतना भी नहीं करना चाहते तो ग्लव्स पहन लीजिए, और भी आसान तरीका है, ग्लव्स पहन सकते हैं। चलिए दूसरी बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा प्रोटीन के पीछे भागते रहते हैं अरवी। आपको लगता होगा बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, नहीं नहीं, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, लेकिन आप गूगल सर्च कर लेना, 65% वाटर होता है अरवी में। और सीजन की सब्जियां जरूर खानी चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट है ना इसमें थोड़ा सा, वो आपको एनर्जी देता है, क्योंकि क्या होता है गर्मी में हम स्वेट करते हैं, तो हमें एनर्जी लेवल भी तो चाहिए ना, तो एनर्जी भी चाहिए, तो हमें सीजन की सब्जियां जरूर खानी चाहिए। तो आप ये अरवी मेरी तरह से बनाकर जरूर खाना। चलिए देखते हैं जल्दी से अरवी की क्या पोजीशन है। ये देखिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, गैस मेरी पूरी है, गैस मैंने कोई कम नहीं करी है। अब ये देखिए, जब ये इतनी फ्राई हो गई हैं तो हम इस पे हल्दी डालेंगे। देखिए, ये 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, 1/2 टीस्पून में सॉल्ट डाल रही हूँ, फिर कहूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट, एज पर योर हेल्थ, इसे मिक्स करेंगे।
अब ये देखिए सॉल्ट मैंने मिक्स कर दिया, खूब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें ये 1 टीस्पून धनिया और जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए धनिया और सौंफ नहीं है, धनिया और जीरे का पाउडर है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ये देखिए ट्रिक देखिए, एक एक चीज डाल के उसके बाद उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने सब्जी मसाला लिया, ये ऐड कर रही हूँ। अब ये देखिए 2 हरी मिर्च को मैंने स्लिट लगा दिया, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और ये देखिए 2 हरी मिर्च मैंने स्लिट लगा के डाल दी। इनका ना जो मसाला कोट हो जाएगा ना इन हरी मिर्च में, तो ये अचार की तरह हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगी इसमें। ये देखिए थोड़ी सी मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च आप देखिए एज पर टेस्ट, एज पर योर हेल्थ, क्योंकि देखिए मैंने हरी मिर्च में डाली है। ये देखिए अमचूर डालेंगे इतना। वैसे तो अमचूर जरूर जाता है भिंडी में और अरवी में, क्योंकि क्या होता है ये लेस छोड़ देती है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे मैंने बनाई है आप ऐसे बनाएंगे। अमचूर डालने के बाद में इसको एक अच्छा सा मिक्स दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि सारे मसाले इसके ऊपर कोट हो जाएंगे। हमने इसमें वाटर बिल्कुल नहीं डाला है, और इसमें क्या होगा कि इसके जितने सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर निकल के आएगा। और इसमें जो मैंने मिर्च डाली है ना, एक तरह से मिर्च का अचार भी साथ साथ में तैयार हो रहा है। और ये पता है क्या, इसका अलग अलग फ्लेवर आएगा, अलग अलग हर मसाले का फ्लेवर बन के आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ये देखिए लगभग कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल तैयार होने वाली है। थोड़ा सा लेमन डालेंगे, ये जो लेमन होगा ना इससे बहुत ही बढ़िया फ्रेशनेस आएगी। ये देखिए 2-3 ड्रॉप हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे। चलिए देखिए कितनी जल्दी फटाफट से ये अचारी अरवी बन के तैयार हो गई। अब इनको निकाल लेते हैं, रेडी टू सर्व है। देखिए ना तो इसमें प्याज की ज़रूरत है, ना लहसुन की ज़रूरत है, ना टमाटर की ज़रूरत है, और एक एक मसाले का एरोमा और फ्लेवर आपको फील होगा। चलिए इसको हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं, और ये फटाफट से बनने वाली क्विक अचारी रेसिपी है जो बहुत ही टेस्टी लगती है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए ये अचारी अरवी स्टिक आपको कैसी लगी, जल्दी से बनाइए। आजकल अरवी का सीज़न है, अरवी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप किस बात की वेट कर रहे हैं? बहुत अच्छी अरवी आ रही है मार्केट में, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, बिल्कुल मत भूलना किस शहर से, किस जगह से, किस सिटी से बैठ के आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। रुकिए रुकिए, भूल मत जाना दमर भी है, फ्राई अरवी भी है, वो भी जरूर देख लेना।